सो हेलो गाइस, मैं उस सर्वर और आप देख रहे हैं सर्वर फॉर यू गाइस। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ पीडीएफ को कैसे एडिट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और शेयर करूंगा। ये जो पीडीएफ है वो अडोब एक्रोबैट डीसी पे मैं एडिट करके दिखाऊंगा ऑफलाइन, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो ऑनलाइन मैं एडिट करके दिखाऊंगा पीडीएफ को कैसे, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे एडिट करेंगे, फिर क्या ऑप्शन होगा आपके पास। फ़िलहाल ये जो एडिट है मैं एडोब एक्रोबैट डीसी पे मैं बता रहा हूँ। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और प्यारा सा कमेंट, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गाइस, हमने दो पीडीएफ फाइल को रखा है, 1 एंड 2। 1 को मैं ओपन करता हूँ राइट क्लिक करके, एडिट विद अडोब एक्रोबैट पर मैंने क्लिक किया और ये डायरेक्टली एडोब में ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ किस तरीके से ओपन हुआ है, जो मैंने अडोब एक्रोबैट डीसी में ओपन किया हुआ है। यहाँ पे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ, दूसरा कंबाइंड फाइल्स, तीसरा जो है एडिट पीडीएफ, नेक्स्ट एक्सपोर्ट पीडीएफ, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज पेजेस, नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सेंड फॉर रिव्यू, कमेंट एंड नीचे फिल एंड साइन, फिर प्रिपेयर फॉर्म, इन्हेंस स्कैन, प्रोटेक्ट एंड नीचे मोर टूल्स। अगर कोई टूल मिसिंग है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा कैसे उस टूल को एडिट करेंगे। यहाँ पे एडिट पीडीएफ पे हम क्लिक करते हैं, और ये पीडीएफ कैसे एडोब एक्रोबैट इंस्टॉल करते हैं उसकी भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं, मैंने इसको 100 पे रखा है रेजोल्यूशन 100%, ताकि आपको क्लियर दिख सके। और मैंने एडिट पीडीएफ पे मैंने क्लिक जब कराया तो ये एक बॉक्स की तरह ये इसके टेक्स्ट को बना दिया, यहाँ से बॉक्स की तरह बन चुका है। मैं एक टेक्स्ट को एडिट करता हूँ, जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं, मैं बैक स्पेस करके यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने बैक स्पेस किया, यहाँ पर आप कुछ भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप एब्सोल्युटली फ्री में डालता हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो भी ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि क्लाइंट्स डिमांड करता रहता है पीडीएफ कन्वर्जन, पीडीएफ एडिटिंग, फिलेबल फॉर्म्स वगैरह के लिए। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को ध्यान से देखें, और यहाँ पे इसके फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट को इसके फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा देख सकते हैं राइट साइड में इसके फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है, और सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट में कर रखा है, अगर सबको एक फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट करेंगे और एक फॉर्मेट में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जिस फॉर्मेट में भी आप चाहते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पर क्लिक करना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसी को देखते हैं, ये एरियल पर रख देते हैं, और सब जो टोटल को एरियल पर रख देते हैं, सबको सेलेक्ट करेंगे एक बार, उसके बाद आएंगे फॉर्मेट पे, ए आर क्लिक करेंगे, जैसे ही कीबोर्ड पे आपको एरियल दिख जाएगा उस एरियल को सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे टेक्स्ट एक ही फॉर्मेट में हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी बताया है, उसकी वीडियो बनाई है, इसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर किसी पर अगर आपको आपको रिमूव करना है तो बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे राइट और सेलेक्ट ऑल करेंगे, और फिर राइट क्लिक करेंगे देन कट, ये आपका पैराग्राफ गायब हो चुका है। इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ को आप कट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये किस तरीके से क्लीन हो गया आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे भी आ जाएंगे, आप देख सकते हैं सारे टेक्स्ट अवेलेबल हैं। और जो नेक्स्ट है मैं आपको बताऊँगा कि
इमेजेस को कैसे ऐड करें किसी भी इमेज को। इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, आपको टॉप पे दिखेगा ऐड इमेज। पहले सबसे पहले इसके साइज को भी बढ़ा के देख लेते हैं। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे इसकी साइज को भी बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और साइज पे क्लिक करेंगे। 16 अभी मैंने रखा है, इसको खींच के यहाँ से कर देंगे। इसके साइज को मतलब छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, पड़ जाएगा। इसकी फॉर्मेट भी दे रखी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर में। 12 पर रखते हैं, 12 पर इसकी साइज़ को, और यहाँ पर इसको ड्रैग करके लास्ट में जाते हैं और इस तरीके से हो गया। फिर से इसको रिसाइज करते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, 12 पे या 14 पे रखेंगे, देख लेते हैं। 12 पे आई थिंक, 14 पे रखते हैं। सो इस तरीके से इसके साइज को भी आप रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो होगा वो आपको मैं इमेजेस कैसे ऐड करते हैं वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। आपको ऊपर दिखेगा, इसको क्लोज कर देते हैं बुकमार्क को, आपको ऊपर दिखेगा ऐड इमेजेस। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने ऐड इमेजेस पर क्लिक किया है और यहाँ पर किसी भी इमेज को कैसे ऐड करते हैं वो मैं बताता हूँ। किसी भी इमेज को अपने ड्राइव में जाएंगे, जिस भी इमेज को आपको यहाँ पर रखना है उसको सेलेक्ट करेंगे। लाइक ये मैं रख लेता हूँ 100% वाला। जैसे ही ओपन किया, आपको जहाँ रखना है वहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। जैसे मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही ये इमेज वहाँ पे आ गया। इसको ड्रैग अप कर देंगे, थोड़ा सा सेलेक्ट करके ऊपर कर देंगे और एडजस्ट कर लेंगे इसको जहाँ पे भी आपको रखना है। तो इस तरीके से आप इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने पीडीएफ में, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपके क्लाइंट ने आप डिमांड किया है किसी इमेज को उस पीडीएफ में ऐड करने के लिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो किसी टेक्स्ट को कैसे एडिट ऐड करना है, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर आपको देख पा रहे होंगे टी लिखा हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है वहाँ पर ले जाके आपको ड्रैग करना है। सिंपल, आपने जैसे ड्रैग किया एक बॉक्स बन गया रिक्टेंगुलर, आपको इसको एडजस्ट कर लेना है खाली जगह पर, जहाँ पर भी खाली है या फिर जहाँ पर आपको रखना है। जैसा कि मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर मैं कोई भी एक मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिख के आपको दिखाऊंगा, कुछ भी वट एवर जो भी आप लिखना चाहें उसको लिख लेंगे। यहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। अगर आपके क्लाइंट ने डिमांड किया है या फिर कहीं से डिमांड आया कि किसी पीडीएफ में आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो किस तरीके से करेंगे, सो यही तरीका है इस सॉफ्टवेयर में। आपको टी पे क्लिक करना है या ऐड टेक्स्ट पे और नीचे ला करके ड्रैग कर देना है। सिंपल, आप जैसे ड्रैग करेंगे ये बॉक्स बनेगा, बॉक्स में आप उस टेक्स्ट को डाल देंगे जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है। सो लाइक फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट यहाँ पर डालता हूँ, हाउ टू क्रिएट पीडीएफ फाइल। ओके, सो यहाँ पर हाउ टू क्रिएट पीडीएफ फाइल या हाउ टू एडिट पीडीएफ फाइल जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हाउ टू क्रिएट पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाल दिया है, और जैसे डालेंगे या इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट किया और कलर पर जैसे जाएंगे आप ब्लैक कर लें, ब्लू कर लें, वट एवर आपका जो भी मन चाहे आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं और इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ दे रखा है आपको सामने, इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, इसका साइज़ यहाँ पर 14 है, बड़ा घटा सकते हैं जो भी आप करना चाहें, 15 कर दें, 15 कर सकते हैं। सो इस तरीके से इसके साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चेंज हो जाएगा, आप बाहर क्लिक कर देंगे, ये शेट हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने बाहर क्लिक कर दिया, ये शेट हो चुका है। सो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, फाइल पे आएंगे, सेव करेंगे तो इसी में सेव हो जाएगा। सेव एज करेंगे किसी और नाम से सेव करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी पुरानी फाइल रखनी है तो इसको सेव एज करना है। सो यहाँ पे कोई और नाम डाल देते हैं, लाइक वन डॉट कुछ भी डाल सकते हैं। एडिटेड कर देंगे, यहाँ पर सेव पे आप क्लिक कर देंगे। ये जो आपकी पीडीएफ है
वो सेव हो जाएगी, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस करे थे इस पीडीएफ में वो आपको शो करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने इमेज इंसर्ट किया था, हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया था, आप देख पा रहे हैं। हमने किसी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को यहाँ से रिमूव किया था, आप देख पा रहे होंगे ऊपर। सो इस तरीके से आप किसी भी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। मैंने नेक्स्ट वीडियो जो है वो ऑनलाइन बताऊंगा कैसे, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे आप एडिट करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।